दोस्तों, यह प्रॉब्लम आपके साथ आपके फोन में कभी ना कभी तो आता ही होगा, जिस प्रॉब्लम का नाम है टाल बैक। जी हाँ फ्रेंड, कोई बटन काम नहीं करता है, जहां छुएंगे कुछ इस प्रकार से ऑप्शन आएगा। इस प्रॉब्लम का नाम है टाल बैक। एक गलती से हमारे एक सेटिंग होती है जो इनेबल हो जाती है, और हम जिस बटन को टच करेंगे वह बटन काम ही नहीं करेगी। जहां हम इधर उधर करेंगे ये बटन काम नहीं करेगी, और हम काफी परेशान रहते हैं कि आखिर हम किस तरीके से हम उस सेटिंग तक पहुंचे और इस प्रॉब्लम को हम दूर करें। तो दोस्तों, बहुत से फोन में तो वैल्यूम अप और वैल्यूम डाउन दबाने ते ही यह प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, लेकिन अरे बहुत भाई, से फोन ऐसा में वैल्यूम अप और वैल्यूम डाउन दबाने के बाद में भी यह प्रॉब्लम जो है सॉल्व नहीं होती है। तो जिनके फोन में यह प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, उनके लिए मैं यह वीडियो बनाया हूं कि आखिर यह प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी। देखिए, मैं अगर उंगली से स्क्रीन को कहीं भी टच कर रहा हूं, यह काम नहीं कर रहा है, तो आखिर यह काम कैसे करेगा? तो ध्यान से इस वीडियो को अगर कोई देखिएगा, आपके मिस ऐसा मत कीजिएगा। इस वीडियो को एक बार आप देख लेंगे तो आप समझ जाएंगे कि यह प्रॉब्लम का समाधान कैसे करना है। तो फ्रेंड, यदि आपके साथ कभी गलती से ऐसा आपकी सेटिंग ऑन हो नहीं गई होगा है, तो तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ क्या दो होगा अंगुली फिर? का प्रयोग करना है। देखिए, आप एक अंगुली से कितना भी स्क्रीन ऊपर ले जाइएगा, नहीं जाएगा। आपको यहाँ दो अंगुली यहाँ पे रखना है और इस तरीके से देखिए, जाएगा। और आपको एडिशनल सेटिंग पे जाना है, जिस सेटिंग को आपको टैप करना है उसको दो बार टैप करना है, एक बार नहीं, आपको दो बार जल्दी जल्दी टैप करना है। जैसे टैप करेंगे तो आप जिस सेटिंग से इसको इनेबल किए थे उस सेटिंग में जा सकते हैं। तो एसेबिलिटी में आपको जाना पड़ेगा, एसेबिलिटी में दो बार टैप करना होगा। जब एसेबिलिटी में आप इसको दो बार जल्दी जल्दी टैप कीजिएगा दो बार, तो आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि सिलेक्ट टू स्पीक यहाँ पे जो ऑप्शन है, और उसी के बगल में टाल्क बैक एक ऑप्शन है। ये जो टाल्क बैक ऑप्शन है ऑन हो जाता है, जिसके कारण यह प्रॉब्लम आती है। तो आपको इस टाल्क बैक पर दो बार टैप करना है। अब जैसे ही टैप करेंगे तो देखिए, टाल्क बैक ऑप्शन आ गया। आपको इसको यहाँ पे क्लिक करना है और इसको बंद करना है। यहाँ ऑफ का ऑप्शन आ गया, आपको इसको भी दो बार क्लिक करना है। तो देख सकते हैं कि यह प्रॉब्लम आपकी खत्म हो गई। देखिए, प्रॉब्लम खत्म हो गई। यदि आपके फोन में यह प्रॉब्लम आ जाती है तो सिर्फ दो उंगली का प्रयोग कीजिएगा, एक उंगली से कीजिएगा नहीं होगा, दो उंगली का प्रयोग कीजिएगा। तो आप आसानी से एडिशनल सेटिंग में जाकर, एसेबिलिटी में जाकर टाल्क बैक ऑप्शन को दो उंगली से बंद कर सकते हैं। दो उंगली से स्क्रॉल करना है, दो बार टैप करना है, जल्दी जल्दी दो बार टैप करना है, तो ही यह फंक्शन काम करेगा। बहुत से फोन में वैल्यूम अप और वैल्यूम डाउन दबाने से भी सही हो जाता है, लेकिन मेरे फोन में यह सिस्टम नहीं है, तो मुझे दो उंगली से स्क्रॉल कर उस सेटिंग को बंद करना है। तो यदि आपके साथ भी ऐसी प्रॉब्लम आई है, तो आप इस प्रॉब्लम का समाधान बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो इस वीडियो में यही बता रहा था। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर जाइएगा, और चैनल पर इस तरीके के और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।